हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूट्यूब चैनल कितने दिन में मोनेटाइज हो जाता है, और ये भी बताने वाला हूं कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज होने के लिए कंप्लीट हो गया है और आपने मोनेटाइजेशन के लिए भेज भी दिया है तो वो कितने दिन में मोनेटाइज करके यूट्यूब आपको मैसेज दे देगा कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना पड़ेगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो अपने भाई की चैनल टेक्निकल रत्नाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात लेते हैं कि YouTube चैनल मोनेटाइज करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ता है। एक YouTube चैनल को मोनेटाइज करने के लिए पिछले 365 दिन में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप अपने YouTube चैनल को बड़ी आसानी से मोनेटाइज कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपका YouTube चैनल कितने दिन में मोनेटाइज होगा। तो इसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। आपका चैनल एक महीने में भी ग्रो कर सकता है, दो महीने में भी कर सकता है, एक साल में भी कर सकता है, कभी कभी तो 5-6 साल भी लग जाते हैं। जब तक आपके YouTube चैनल में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कितने भी दिन हो सकते हैं, लेकिन आपको यह याद रखना है कि पिछले 365 दिन में, मतलब कि पिछले एक साल में आपके चैनल में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम जब कंप्लीट हो जाएंगे तभी आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके YouTube चैनल में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम कंप्लीट भी हो गया है और आपने अपने YouTube चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेज भी दिया है तो वो कितने दिन में मोनेटाइज जो कराएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपने मोनेटाइजेशन के लिए भेज दिया, उसके बाद YouTube में 2-3 दिन की इंक्वायरी चलती है कि आपके चैनल में कॉपीराइट क्लेम वाला वीडियो है, कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ी है, या आपने रीयूज कंटेंट यूज किया है, मतलब कि किसी प्रकार का आपके YouTube चैनल में अगर इशू नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपके YouTube चैनल में, तो आपका YouTube चैनल बड़ी आसानी से मोनेटाइज कर दिया जाएगा और आपको मैसेज कर दिया जाएगा कि आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो गया है। अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई आपके YouTube चैनल में तो वो रिजेक्ट कर देगा, मोनेटाइजेशन आपका रिजेक्ट कर देगा और आपका YouTube चैनल रिमूव भी कर सकता है अगर आपके चैनल में कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ी है तो। ओके, और अगर आपने रीयूज कंटेंट भी यूज किया है, रीयूज कंटेंट का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे का मटेरियल अगर आप अपने वीडियो में यूज करते हैं तो उसमें आपको रीयूज कंटेंट दिया जाता है, ठीक है। और रीयूज कंटेंट में यह भी आता है कि जैसे मान लीजिए कोई आपने वीडियो बनाया और वो वीडियो वायरल हो गया, फिर उसी तरह का आपने एक वीडियो बना दिया तो उसको रीयूज कंटेंट कहेंगे, मतलब कि एक टॉपिक पर एक ही वीडियो बनाइए, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट कर दीजिए वो चलेगा, लेकिन सेम वीडियो नहीं बनाना है, उसे रीयूज कंटेंट कहते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि आपका चैनल मोनेटाइज भी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अब इसे आप ये ध्यान रखिएगा कि इसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि कितने दिन में आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। आपके चैनल में जब तक 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता। ओके, और एक बात और, मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें यह बताया है कि यूट्यूब पहली पेमेंट कितनी देता है, तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक आई बटन पर मिल जाएगा और जो ये वीडियो दिख रहा है ना तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा ना तो अपने भाई की चैनल टेक्निकल रत्नाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू।